और मॉब लिंचिंग पर एक और बयान संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने भी दिया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में अकबर खान की पीट पीट कर हुई हत्या के सवाल पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मॉब लिंचिंग की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन लोग गाय का मांस खाना बंद कर दें तो इस तरह के अपराधों पर लगाम लग जाएगी। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, उसके किसी एक धर्म स्थल पर बता दो, किसी एक धर्म में गाय का वध होता, चर्च में होता, मस्जिद में होता, दरगाह में होता, गुरुद्वारे में होता, गंभा में होता, मंदिर में होता, आश्रम में होता, राधा स्वामी निरंकारी में नहीं होता। दूसरी बात, ईसा जब धरती पर आए तो गौशाला में आए, इसलिए वहाँ मदर काउ बोला जाता है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में गाय का वध अपराध माना जाता है, भारत के किसी धर्म स्थल में होता नहीं। तीसरी बात, दुनिया की सबसे बेस्ट सेइंग है, एवरी बॉर्न बेबी हैज हिज ओन मदर और हर मदर, परंतु दुनिया के सब बच्चों की गाय एक माँ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैज्ञानिक ट्रूथ है, क्योंकि जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता उसके गाय के दूध से होती है। तो मेरा ये कहना है, ये अपराध जगत बढ़ाते रहने का काम ना कानून ने करना चाहिए, ना जनता ने करना चाहिए, ना हमने करना चाहिए, ना मीडिया ने करना चाहिए, और ना सरकार ने करना चाहिए, इसको किसने करना चाहिए। इसलिए गाय जिसके दूध से, जिसके गोबर से, जिसके मूत्र से, जिसकी और सांस से सब प्राणी मात्र का हल होता है, उसकी वध नहीं होगा, उसकी रक्षा और सेवा होगी, वो उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, उसका दूध पिया जाएगा। तो यह जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है, ये सब रोका जा सकता है, उसका हल सबसे बड़ा यह है। अगर नहीं करेंगे तो जो जो इस गंदगी को फैलाने के लोग हैं वो सब कसूरवार हैं, एक कसूरवार नहीं है सब। आखिरकार जो गाय सबका पालन करती है, जिसके लिए दुनिया का कोई धर्म मुझे आकर कह दे कि हमारे धर्म में ये बाइबल में लिखा है, ये कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है, त्रिपिटक में लिखा है, ये आगम में लिखा है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ये सत्यार्थ प्रार्थना है कि गाय का वध करो और खाओ, नहीं है। फिर ये जो कर रहे हैं, क्या हम सब मिलकर ये संकल्प नहीं कर सकते कि धरा को और मानवता को इस पाप और अपराध से मुक्त कराया जाए।